वही अब आती है ऐसी कुछ पैकिंग और बिल्कुल नया पैकिंग है, देखते हैं कैसा है। बहुत ही चीज़ी है। गाइस अभी आ गए हैं हम रूम में। सो गाइस स्वागत है आप लोगों का सराफा बाजार में। रेडी है, अच्छा लग रहा है। कभी जवाब देखो आप, वो कहते हैं ना दुनिया जहाँ में घूमने की जरूरत नहीं। तो कई दर्शन हो गए हैं माता रानी का बिल्कुल। अगर आप इंदौर में इंदौर के आसपास कहीं रहते हो, माँ वैष्णो देवी माता के दर्शन करना चाहते हो। इंसान रील और वीडियो के चक्कर में इतना फंस गया है ना कि वो भगवान के जो दर्शन करना चाहता है ना वो अब नहीं हो पाते। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की कहानी की शुरुआत हो रही है एक और नई चीज के साथ। पिज्जा हट ने लॉन्च किया अपने कुछ नए आइटम को, मैंने अभी मंगवाए। रात के बज रहे हैं तो और देखते हैं कि टेस्ट कैसा रहता है, आपको दिखाता हूँ। पैकिंग भी बिल्कुल नई कर दी है। तो भाई सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा रहता है। वो जस्सी गाइस बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है यार, ये तो मस्त है। मतलब ये मुझे कैजॉन पॉकेट टाइप का होता है ना, टैकोज वगैरह हैं उस चीज़ की याद दिला रहा है। थोड़ा सा फैल गया ये, ये कुछ ऐसा ही है। मुझे लोडेड बारबेक्यू लग रहा है। लेट्स हैव अ टेस्ट, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। और देखने में तो देखो बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। और अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत ही चीज़ी है। मस्त। मतलब वो होता है ना जो टैकोस होता है, आपने टैकोस खाया होगा, तो उसके अंदर इन लोगों ने थोड़ा सा बारबेक्यू ऐड कर दिया है और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। साथ में एक ये ना मैं निकाल के देख रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको। कुछ नया फ्लेवर, मतलब ये टोटली न्यू रेंज है भाई। मजा वाली, मजेदार वाली, मजेदार वाली। ये हमारा सेकंड बॉक्स। वो ये है थोड़ा सा जो पॉपकॉर्न चीजी वाला है ना, ये वो फ्लेवर में इसमें मुझे स्मेल ना पूरी पॉपकॉर्न की आ रही पूरी, और इस चीज का ऐसा कुछ भरा हुआ देखो, और साथ में कॉर्न भी है। अब इसको टेस्ट करते हैं ये कहता है। ऐसा टेस्ट। मैं कहूँगा पॉपकॉर्न का जो मसाला नहीं होता, जो अपन तंदूरी टमाटो फ्लेवर में खाते हैं, उसका ऊपर से मसाला डाल दिया है। पॉपकॉर्न का ही पूरा मसाला डाला हुआ है, कॉर्न वगैरह डाल दिया, थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह डाल दिए। फ्लेवर यूनिक है, लेकिन अगर आप 10 रुपये का पॉपकॉर्न खाओगे तो अभी इसको यही टेस्ट आएगा। साथ में इसमें बस ये चीज़ ऐड होने हैं। ठीक है, मतलब कुछ नया वेरियंट ट्राई करना है तो अभी दोनों ट्राई कर सकते हो, आपको नया कुछ खाने को मिलेगा। कुछ नया, कुछ यूनिक करने की, मतलब बहुत सारे आउटलेट से उसमें ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब वन टाइम ट्राई तो बनता है, ट्राई करना मजा आ जाएगा। चलो आज की कहानी की शुरुआत हो रही है सुबह से, और मेरे सुबह 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 मेरे चेहरे पे सूर्य देव की किरणें आती हुई, और अभी हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए। रात को सोया नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं सोया, बस उठाऊँ और बस, और बस में बैठा हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की। भाई अभी हम लोगों ने पैलेस स्टॉप लिया है और मस्त जगह है यार घूमने फिरने के लिए, अच्छी जगह, दिखाता हूँ कैसी है। भाई में ऐसा गार्डन बना हुआ है, तो भाई फाइनली इंदौर पहुँच गए हैं। तो ऑटो करते हैं और चलते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे दूर से। हाँ। अभी आ गए हैं हम रूम में, और अभी छोटा सा रूम ले लिया मैंने इंदौर में आके, हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, मैंने बोला चलो रूम ले लेते हैं और हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं और थोड़ा सा काम बाकी वो काम ख़त्म करते हैं और फिर अपन निकलते हैं इंदौर की गलियों की टफरी मारने में। गाइस इंदौर में शराबत की कमी थोड़ी सी कम हो गई है अब,
अगर आ रहे हो तो कैब वगैरह बुक करनी तो उबर रैपिडो वगैरह कुछ यूज़ करो, ऐसे बोल के जाओगे तो 3 गुना ही देंगे और उसके बाद भी रेट सही नहीं मिलने, इसलिए सेफ है उबर या ये सब ज़्यादा बेटर है या जुगनू बेस्ट है। यहाँ बन रहा है हमारा स्पेशल वाला फालूदा और जो कि यहीं मिलता है पूरे सराफा में। और भाई यहाँ आओगे ना ऐसा लगता है कि खाने का पूरा मेला है। फाइनली हमारा फोन रेडी है, अच्छा लग रहा है। तो भाई रात को ऐसी जगमगाती दिखती हुई इंदौर की सिटी, मज़ा आता है वॉक करने में। क्या सही दिखता है यार ये रात को, हर यार एक दीवार अपनी एक कहानी बताती है, मस्त है यार। बस यहाँ खड़े खड़े आपकी पूरी शाम निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भाई वापस बैक टू द होटल। तो भाई अब घर वाले आ रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सा हुलिया सुधार लेते हैं, वरना मम्मी की मार तो पड़नी पड़। भाई एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अगर कोई आपको बोले ना पीछे का कवर के स्टीकर स्किन लगा लो और वो भी गर्म करके, मत लगवाना। कल मैंने लगवाई और आज उसकी स्किन, आज उसकी जो डिस्प्ले होता है ना वो अलग हो गया आगे। तो कोशिश करना कि वो जो नॉर्मल चिपकाने वाली होती है ना, निकाला स्लिप से और निकाल के चिपका दिया, वो वाली बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब दूसरी लोग है ना तो वो ख़राब हो जाएगी। तो अभी जैसे मेरी ख़राब हो गई है, जब से आने आया हूँ टिकॉक आया। अब डिस्प्ले चिपकाना है तो पूरा फ़ोन पहले खुलेगा उसके बाद ही डिस्प्ले चिपक सकता है। पहले तो मैंने सोचा फेविक्विक से चिपका देता, लेकिन मैंने चल दिखाई लेता हूँ। जी हम हैं अनुपमा मंदिर इंदौर में और दर्शन करते हैं माता रानी के और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मंदिर बहुत ज़्यादा भव्य है, बहुत ज़्यादा भव्य है, मैं तो बता नहीं सकता। हर एक दीवार पर आपको हर एक भगवान की मूर्ति है, अंदर से देखो आप, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। कभी भी इंदौर आओ माँ अनुपमा के दर्शन करके ज़रूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय माता दी, जय अनुपमा माता की जय। मंदिर बहुत बड़ा है, मतलब अंदर भी बहुत बड़ा है। अच्छा उधर भोले बाबा का मंदिर है। अच्छा उधर, और गई भोले बाबा की मूर्ति। कभी जवाब देखो आप, कहते हैं ना दुनिया जहाँ पे घूमने की ज़रूरत नहीं है, इंदौर में भी बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आगे वाले पीछे वाले जय माता दी। पूरा वैष्णो देवी माता का ही मतलब पूरा गुफा में बन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, 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 पूरा भव्य। जय माता दी, 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 जय जय बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, धीरे बोलो जय जोर से बोलो। अच्छा धीरे कुछ ले बोलो कि कुछ गड़बड़ हो जाए इसमें, यहां से वहां पे बोल रहे हैं। तो कई दर्शन हो गए हैं माता रानी का बिल्कुल। अगर आप इंदौर में इंदौर के आसपास कहीं रहते हो, माँ वैष्णो देवी माता के दर्शन करना चाहते हो तो इंदौर में उनकी ज्योत है, आइए माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। और बहुत भव्य मंदिर है, बहुत भव्य। सो गाइस अभी निकल रहे हैं हम इंदौर से उज्जैन के लिए और हमने ये सीधा रास्ता लिया पीछे वाला, बाईपास वाला रास्ता नहीं लिया है।
मेरी मानो अगर ये रास्ता आप रात को ट्रैवल करें तो ही लेना, वरना दिन में तो बहुत भीड़ होती है, रात में तो बहुत सनसन गाड़ी निकलती है। भाई फाइनली पहुंच गए हैं उज्जैन और होटल ले लिया है और हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा अभी आराम करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे माँ काल के दर्शन के लिए। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं माँ काल के दर्शन के लिए। पापा भी रेडी है, ऑलमोस्ट माँ बाबा का भी घर उधर देखते रहते हैं। गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं माँ काल के, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से। लेकिन मैंने पता क्या नोटिस किया, एक चीज़, इंसान रील और वीडियो के चक्कर में इतना फंस गया है ना कि वो भगवान के जो दर्शन करना चाहता है ना वो अब नहीं हो पाते। वहाँ लोगों ने मना कर रखा हुआ है कि अब वीडियो नहीं बनाओ, रील मत बनाओ, लेकिन तब भी लोग लगे हुए हैं रील। अरे रील और वीडियो से हो क्या जाएगा, आप यहाँ करने क्या आए, दर्शन करने आए हो ना तो दर्शन करो। महाकाल के इतनी दूर दूर से आते हैं, 100-100 हज़ार किलोमीटर से दूर ही से आए लोग, बस वो वीडियो अपने मोबाइल लेके खड़े हुए हैं। तो एक अब आप कहोगे कि मैं भी वही बनाता हूँ, भाई मैं बनाता हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं भी वीडियो रील्स बनाता हूँ, बट थिंग इज दैट कि टाइम और समय देख के बनता है ये है। लेकिन बोलो बहुत अच्छे तो हुए, जय माँ का। तो गाइस आप निकल रहे हैं हम उज्जैन से भोपाल के लिए, सब कुछ रेडी है, मौसम भी ठीक हो रहा है, बारिश का कोई आसार तो अभी दिख नहीं रहा लेकिन सुबह तो थे। और भाई उज्जैन से भोपाल जाने की रोड इतनी अच्छी हो गई ना, गाड़ी बिल्कुल स्पीड में निकलती है, पहले बहुत बेकार थी। सो गाइस फाइनली रीच भोपाल और भोपाल में आते से फंस जाते हैं हम ट्रैफिक में।